नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वत्स और आप देख रहे हैं क्रिस्टल कार्स। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ओल्ड आइटन के लिए पार्सल ट्रे। कार एसेसरीज की लेटेस्ट अपडेट और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एज क्रिस्टल कार्स। ये है पार्सल ट्रे ओल्ड आइटन के लिए। आइटन ग्रैंड से पीछे के जितने भी मॉडल हैं सबके अंदर यही पार्सल ट्रे लगती है। ब्लैक और बेज दो कलर के अंदर मिल सकती है। ये ट्रे MDF बोर्ड की बनी होती है जिसके अंदर आप स्पीकर वगैरह भी लगा सकते हो और काफ़ी मजबूत होती है। इसको वुडन ट्रे या डिक्की ट्रे भी बोलते हैं। MDF बोर्ड यानी जिससे बेस्टी वगैरह बनती हैं उस मटेरियल से इसको बनाया जाता है और इसके ऊपर ये कारपेट चढ़ा दिया जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर लगभग हर छोटी गाड़ी की ट्रे बनती है जिसके अंदर ब्लैक और बेज नॉर्मली दो कलर ही बनते हैं गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से। ओल्ड आइटन के अंदर अगर आप देखें तो बेज कलर ही ज़्यादा चलता है क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर ही बेज है और पीछे इसमें स्पीकर लगाने के लिए जगह होती है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो, 6 इंच ओवल, या तो इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रे में स्पीकर नहीं लगाने हैं, स्पीकर की जगह आप अपनी मर्जी से इसमें कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। और काफ़ी मोटाई होती है MDF बोर्ड की और इसके साइडों के अंदर ये लकड़ियाँ अलग से लगी होती हैं क्योंकि अक्सर प्लाई की ट्रे या वुडन ट्रे जो होती है बीच में से बेंड हो जाती है तो इसमें थोड़ी सी इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो ये लगा होता है साइड में देख सकते हैं आप, दो पट्टियाँ जो इसमें लगा दी गई हैं लकड़ी की, और ओवरऑल ऊपर से देखने में लुक कुछ ऐसा हो जाता है। आप स्पीकर लगाएं या ना लगाएं ओवरऑल देखने में कुछ ये इस तरीके से ही लगेगी। और यहाँ पे ये इसमें स्पीकर की जगह है जहाँ से इसका ये ऊपर का कारपेट काट कर इसके ऊपर इसमें स्पीकर फिट कर दिया जाता है। आइए आपको इस ट्रे को गाड़ी के अंदर लगाकर दिखाते हैं कि इसका लगाने का क्या प्रोसेस है। वैसे हर गाड़ी में लगाने का प्रोसेस अलग ही होता है लेकिन अगर बात करें हुंडई जिंग और आइटन की तो इसमें खाली रखनी होती है, आप खुद भी इसको आराम से लगा सकते हो। अभी इसके अंदर कंपनी फिटेड CNG लगी हुई है, उसके ऊपर बेस ट्यूब लगेगी 8 इंच की और उसके ऊपर ये ट्रे लगेगी। इसके अंदर इतनी जगह बन जाती है। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, स्पेस वहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी और आपको सिर्फ उसके ऊपर इसको रखना है और पीछे से आपकी सीट बंद हो जाएगी और आगे से इसमें डिक्की का गेट बंद हो जाएगा जिसकी वजह से ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। आप खुद से भी इसको सिर्फ 2 मिनट में लगा सकते हो, लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये साइज़ के हिसाब से बनी होती है गाड़ी के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कवर हो जाता है साइडों में से, ऐसा गैप वैप नहीं बचता है क्योंकि प्रॉपर ही होती है हर गाड़ी की। अगर गाड़ी में पार्सल ट्रे नहीं लगी हुई है तो डिक्की का सारा सामान या नीचे CNG वेस्ट ट्यूब जो भी है ऊपर से पूरा दिखाई देता है और एक ट्रे लगने के बाद पूरा कवर कर लेता है नीचे से डिक्की को और ऊपर आप सामान वगैरह रखने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मजबूत होती है और अगर गाड़ी में आप स्पीकर का साउंड थोड़ा बढ़ाना चाहते हो या एक्स्ट्रा स्पीकर लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वुडन ट्रे बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी ओवरऑल लुक इससे काफ़ी चेंज हो जाता है। ये अंदर की साइड से आप देख सकते हो, कुछ पिल्लो वगैरह या कोई शोपीस आइटम रखने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो।